अब मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा बाय प्रणायाम। तो बाय प्रणायाम में क्या करते हैं सो आप लोग देख लीजिए। श्वासों को बाहर निकाल देंगे, आप पूरी श्वास बाहर निकालेंगे और श्वासों को रोक देंगे। क्या करेंगे? रोक देंगे। पहले भी आप लोग को मैं बता चुका हूं कि श्वास को बाहर निकाल के रोकने की क्रिया को हम कहते हैं बाय कुंभक। क्या बोलते हैं? और अंदर रोकने की क्रिया क्या कहते हैं? अंतः कुंभक। अंदर में रोका तो अंतः कुंभक, बाहर में श्वास को रोक दिया तो क्या है? बाय कुंभक। तो बाय कुंभक लगाने के बाद वो रुकेगा कैसे श्वास? उसके साथ कुछ प्रक्रिया है। अगर हम गले के पास से उस श्वास को पावर के साथ रोकते हैं तो उसे बोलते हैं जालंधर बंद। कौन सा बंद बोलते हैं? जालंधर बंद। और अपने मल द्वार के पास से श्वासों को रोकते हैं, ऐसे पावर लगाते हैं ना मल द्वार के पास, तो वहां से जो पावर लगाए वो मूल बंद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मूल बंद। और पेट को जो आप अंदर करके ऊपर खींचे हुए रहते, पेट के ऊपर दबाव रहता है, खिंचाव रहता है, तो यहां से कौन सा लगता है? उड्डयनयान बंद लगता है। कौन सा बंद लगता है? उड्डयनयान बंद लगता है। तो तीनों प्रकार का बंद आपको लगाने हैं बाय प्रणायाम में। देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूं आप लोग को, करके दिखा रहा हूं बाय प्रणायाम। देख लीजिए सभी लोग को दिखाई दे रहा है? ये खड़ा होके मैं दिखाऊं आप लोग को? खड़ा होके दिखाऊं? चलिए मैं खड़ा होकर के दिखाता हूं। देख लीजिए, चूंकि आप लोग पीछे वाले लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो बाय प्रणायाम में क्या करना है? श्वासों को बाहर निकालेंगे, उसे रोक देंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयनयान बंद और जालंधर बंद। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। और फिर पुनः क्या करेंगे? लंबा गहरा श्वास लेंगे फेफड़े में और फिर निकाल देंगे। और फिर इसी को कंटिन्यू कम से कम 5-6 तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति। फायदा क्या है? मल और मूत्र से जुड़ी हुई जो समस्या है आपकी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो मल मूत्र का जो समस्या है, जैसे किसी को गुदा भ्रंश है, योनि भ्रंश है, पाइल्स की समस्या है, या मान लीजिए बार बार रुक रुक के पेशाब आ रहा है, आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है यूट्रस में, तो वो सारी चीज आपका लाभकारी हो जाता है। समझ गए? तो बाय प्रणायाम कर सकते हैं आप लोग? कर सकती हैं? ये तो करते हैं और कर भी रही हैं। तो बाय प्रणायाम ऐसे करना है डेली। अभी इसको कहते हैं, अभी मान लीजिए हम लोग करेंगे अग्निसार क्रिया। अभी मैं इसलिए खड़ा हूं आप लोग के सामने कि हम आप लोग को दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां से देख पाइएगा। अग्निसार क्रिया करने के लिए क्या करेंगे? ये सब क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, ये क्या है? क्रिया है। ये बाय प्रणायाम था, अब मैं जो बता रहा हूं आप लोग को ये अग्निसार क्रिया इसे बोलते हैं। तो श्वासों को बाहर निकाल देंगे और रोक करके रख देंगे, फिर बाय कुंभक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बाय कुंभक लगाएंगे और पेट को खींचेंगे और छोड़ेंगे, खींचेंगे और छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा? अग्निसार क्रिया। देख लीजिए कैसा होगा। तो ये कैसे करेंगे देख लीजिए इसको। पेट को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, ये अग्निसार क्रिया है। अभी जो लोग बहुत लोग अगर इसके जानकार हैं तो नौली क्रिया भी कर सकते हैं। नौली क्रिया कैसे करते हैं? उसके लिए भी श्वासों को बाहर निकालते हैं और पूरा नौली को पूरा खिंचाव डालते हैं इसके ऊपर में और नौली निकालते हैं और इसको फिर बाँ और दाँ मतलब दहिना और बायां उसको घुमाते भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नौली क्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम।